ना आज आपका बर्थडे है प्लस 700K फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे हो गए हैं, सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो आई थिंक 700K फैमिली का है जो इतनी बढ़ती जा रही है। भले ही आराम आराम से बढ़ रही है, बट वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी यू विन द रेस, सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू एवरी वन जो भी मुझे सपोर्ट करता है, आप लोग, आप, यू मेक मी लिटरली ग्रो बिगर फ्रॉम हार्ट एवरी डे, सो प्लीज़ ऐसा सपोर्ट करते रहिएगा। और आज मेरा बर्थडे की बात की जाए तो मैं बहुत नर्वस हूँ, और मैं इतना इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई आ नहीं रहा, कोई तो आया, आएगा, आएगा, आएगा। कोई नहीं आया, अभी भी कोई नहीं आया, सो बट आएंगे, आई थिंक इट्स टाइम, मैंने उनको टाइम, हाँ लेट आते हैं सेलिब्रिटीज, यू नो लेट आते हैं सब जने, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस। अब तक के बेस्ट बर्थडे की बर्थडे सरप्राइज की बात करें तो वो कौन सा था? लाइक 27 इयर्स, सो 27 इयर्स में सबसे स्पेशल अगर बात करें, बाय द वे गूगल पे गलत है, इट्स 26। ओके, या 26 कंप्लीटली हो, तो 26 इयर्स में आपको कौन सा स्पेशल बर्थडे रहा है या मेमोरेबल बर्थडे? सी आई थिंक लास्ट ईयर बर्थडे मेरा बहुत मेमोरेबल था क्योंकि मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया है बर्थडे, एंड लास्ट ईयर आकाश ने, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो किया था, और जहाँ पे मैं लिटरली जाके रोई हूँ बिकॉज नो बडी एवर हैव थ्रो अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी, सो आई थिंक दैट वॉज वेरी स्पेशल। सी मैं वैसे भी सोशल कॉज में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, आई थिंक आई एम समबडी दैट I want to, if I grow bigger and if I have a lot of money and you know, अभी हम लोगों का करियर की शुरुआत है जहाँ पे मुंबई, you know how Mumbai it is, but भगवान से भी दुआ है कि I want to open a old age home where not only old people stays but also kids stays, the orphans, because हमने आज तक ऐसा नहीं देखा जहाँ पे orphanage और old age home एक हो, क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनको भी बच्चों के साथ मन लगा रहेगा और जो बच्चे होते हैं उनको भी बड़ों का प्यार और वो मिले, सो दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई थिंक आई विल फुलफिल इट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। या बेस्ट गिफ्ट आई थिंक मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे माँ बाप को बेस्ट गिफ्ट मिला था उसके बाद तो मुझे याद नहीं। बेस्ट शो, बेस्ट शो आई थिंक योर फर्स्ट शो इज ऑलवेज योर बेस्ट शो, सो आई थिंक स्प्लिट्स वाला, या बेस्ट शो। ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि अभी क्या पाइपलाइन में है, क्या कुछ नया आने वाला? देखिए अब जो बाकी जो हो चुका है वो मैं चाहती हूँ जो मेकर्स हैं वो बोले, बट आज जो आया है वो आपको मैं बताऊँगी बाय द एंड ऑफ द मंथ, सो आप बी रेडी बाय द एंड ऑफ द मंथ। आपके पास एक्चुअली एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खबरें आने वाली हैं जो आप सबको चौंका देंगी। ओके नैना, आप रियलिटी शोज की बात करते हो, स्प्लिट्स मिला में आप लड़ चुके हो, बिग बॉस में आप लड़ चुके हो, खतरे के खिलाड़ी आ रहा है तो जानवर से लड़ने तैयार हो जाती है? मैं रियलिटी शो से नहीं लड़ सकती अब क्योंकि बहुत हो गए, बिकॉज आई हैव फोकस इन माई लाइफ, लाइक आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर नॉट अ रियलिटी स्टार, इट जस्ट अगर आता है कुछ तो देखेंगे, बात करेंगे, बट नाउ आई रियली वॉन्ट टू फोकस ऑन माई एक्टिंग करियर। कौन है, कौन आया? बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी या कॉलेज लाइफ की मेमोरी की बात करें बर्थडे की तो बचपन में जब हम लोग स्कूल में होते थे तो मेरे दोस्त लोग, हम लोग ढाबे पे जाते थे दूर खाना, पराठे खाने सुबह सुबह मेरी बर्थडे के दिन, क्योंकि ट्यूशन को बंक करके वहीं जा सकते थे और कहीं नहीं जा सकते थे, तो बस ये हुआ है। हाँ, मैं फैन से कहना चाहती हूँ थैंक यू फॉर ऑल द विशेज दैट यू हैव गिवन, तो पूरे साल आप ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा और ऐसी अपनी विशेज, अपनी दुआएं मेरे को दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टे विद मी एंड हैव फेथ, आई विल बी बैक ऑन योर स्क्रीन वेरी सून। थैंक यू।